Hello everyone, welcome to the video lecture series of Digital Signal Processing. The subject code is KEC503 and here we are in lecture number 0. So in lecture 0 we will discuss basically regarding the syllabus and the respective course outcome after going through the syllabus of this particular subject. Right, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर सबसे पहले सिलेबस की बात करूं, सो इट्स अ फुल क्रेडिट कोर्स और यहां पे फुल क्रेडिट कोर्स का मतलब होता है इट कंटेन्स 5 यूनिट. सो अगर मैं यूनिट बाय यूनिट आपको सिलेबस की बात करूं तो दिस इज यूनिट नंबर 1 जहां पे आप लोग बेसिकली पढ़ने वाले हो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. जी हां, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग क्या है इसके बारे में आप लोग जानोगे. बेसिक आइडिया, बेसिक इंट्रोडक्शन यू कैन से कि व्हाट इज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, किस तरह से डेटा को डिजिटली प्रोसेस किया जाता है, व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस डीएसपी प्रोसेसर्स, राइट, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग प्रोसेसर्स. And what are the different applications, or you can say where the this DSPs, digital signal processing is currently used, right? After this theoretical part, जो इस unit में है, ये एक question आपका put up करता है. After that, you will learn how to realize the digital system. जी हाँ, ये जो पूरी की पूरी unit है, syllabus के अगर comparatively बात करूँ, तो ये unit थोड़ी सी बड़ी जरूर दिखाई देती है, क्योंकि आपके syllabus में हर एक चीज elaborated है. राइट, अब अगर मैं यहां पे बात करूं इस यूनिट नंबर 1 के अंदर, तो बेसिकली यहां पे द वर्ड रिलाइजेशन इज यूज्ड ऑफ डिजिटल सिस्टम, कि हमें यहां पे डिजिटल सिस्टम को कैसे रियलाइज करना है वो सीखना है. और अगर इस पूरे डीएसपी की बात करूं तो यहां पे आपके पास दो टाइप के सिस्टम आने वाले हैं. बेसिकली आप लोग कहीं ना कहीं सुन चुके हो उन सिस्टम के बारे में. वन इज कॉल्ड द फीडबैक सिस्टम एंड वन इज कॉल्ड नॉन फीडबैक सिस्टम. राइट, तो यहां पे उसी चीज को बोला गया है. वन इज कॉल्ड IIR एंड वन इज कॉल्ड FIR कैटेगरी. इन फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस एंड फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस दो टाइप के फिल्टर हैं इस पूरी डीएसपी के अंदर, जिसमें आपकी यूनिट 1 2 एंड 3 बेसिकली बेस्ड है. तो यूनिट 1 के अंदर आप इन्हीं फिल्टर्स का रियलाइजेशन देखने वाले हैं. मींस अगर एक बॉक्स मैं आपको दूं और मैंने बोला यहां पे आपने एक इनपुट अप्लाई किया, यू विल गेट आउटपुट ओवर हियर, तो इस फिल्टर का यहां पे क्या अंदर इसके अंदर स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम रियलाइज करने वाले हैं. अब क्योंकि दो टाइप के फिल्टर हैं, तो दोनों टाइप के फिल्टर का अलग अलग रियलाइजेशन आपको करना है. तो हम यहां पे ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ब्लॉक इसके अंदर यूज होते हैं, व्हाट आर द मेन बेसिक ब्लॉक्स जिनके थ्रू हम एक तरह से इस फिल्टर को डिजाइन कर सकते हैं. आफ्टर दैट यू विल सी अबाउट व्हाट इज IIR एंड FIR फिल्टर क्या होते हैं, और फिर उसके बाद आप रियलाइजेशन पे आओगे कि बेसिकली डायरेक्ट फॉर्म है, कैस्केड फॉर्म है, पैरेलल फॉर्म है या लैडर फॉर्म है, किस फॉर्म के थ्रू आपको IIR फिल्टर को रियलाइज करना है. और यहां पे बेसिकली आपको प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं, क्योंकि एक तरह का ये मान के चलिए 80% टाइप ऑफ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, 20% यहां पे थ्योरी है. तो यहां पे बेसिकली क्वेश्चंस ही मिलेंगे जिनके थ्रू हम एक तरह से इन फिल्टर्स को रियलाइज करने वाले हैं. देन अगर FIR फिल्टर में आऊंगा, तो FIR फिल्टर के अंदर वी विल टुक डायरेक्ट फॉर्म, कैस्केड फॉर्म एंड द मेन इंपॉर्टेंट इज लीनियर फेज FIR फिल्टर रियलाइजेशन. तो यहां पे आपको डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनको आप न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकली डिजाइन करोगे. तो बेसिकली वी विल लर्न अबाउट द रियलाइजेशन of these two categories. So this is all about your unit number 1 and it is very very important and basic unit. इस unit के बिना आप DSP में आगे proceed नहीं कर पाते, right? बहुत easy है, बहुत simple भी है, ठीक? लेकिन थोड़ी सी lengthy लग सकती है, right? अब अगर unit number 2 में बात करूँ या unit number 3 में बात करूँ, तो basically both unit are again based on, जैसे कि मैंने अभी बोला, these IIR filter and FIR filter. Basically unit number 2 में आप देखोगे IIR filter की designing. राइट, कि हम अपने फिल्टर को कैसे डिजाइन करने वाले हैं, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स, लाइक इंपल्स इनवेरिएंट मेथड है, आप पढ़ोगे बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पढ़ोगे, और इसी के साथ साथ बटरवर्थ है या शेविशे फिल्टर है, कौन सा फिल्टर आप लोग डिजाइन करने वाले हो, किस मेथड से डिजाइन करने वाले हो, वो चीज आप यहां पे देखने वाले हो. राइट, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, उन मेथड का यूज करके हम इस फिल्टर को डिजाइन करने वाले हैं. एंड इन द सेम वे यूनिट नंबर 3 में आप लोग पढ़ने वाले हो FIR फिल्टर डिजाइनिंग. जी हां, IIR के साथ FIR कैसे डिजाइन होता है, FIR को डिजाइन करने के लिए यहां पे आप पढ़ोगे विंडोइंग मेथड. राइट, और विंडोइंग मेथड के अंदर देयर आर डिफरेंट विंडो अवेलेबल, राइट, जिनका हम यहां पे यूज करने वाले हैं, लाइक रेक्टेंगुलर विंडो है हमारे पास, हैमिंग विंडो है, हैनिंग विंडो है, बार्लेट है, ब्लैकमैन है, केजर है. सो विद द एग्जांपल्स, राइट, इन दोनों यूनिट के अंदर बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बिकॉज़ गिवन कंडीशन, अगर मैं आपको बात करूं, सेम सब्जेक्ट आप लोग आईसी भी पढ़ते हो इन द सेम सेमेस्टर जहां पे आप लोगों ने फिल्टर डिजाइनिंग पढ़ी है, बट वो सारा का सारा एनालॉग फिल्टर है, एक्टिव फिल्टर है, यहां पे आप डिजिटल फिल्टर की बात करने वाले हो, बट चीज वही है कि न्यूमेरिकली डिजाइनिंग वर्ड यहां पे यूज होने वाला है, यू हैव टू डिजाइन. तो यहां पे थ्योरी नहीं आती कि आप फिल्टर कैसे डिजाइन करने वाले हो, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो बन भी सकता है कि फिल्टर कैसे डिजाइन होता है, यू हैव टू राइट द प्रोसीजर, बट मेन कॉन्सेप्ट, मेन कंसर्न जो हमें यहां पे रखना है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कि किस तरह से आप डिजाइन करने वाले हो. राइट, सो फर्स्ट यूनिट के अंदर रियलाइजेशन है, सेकेंड यूनिट के अंदर आपका डिजाइनिंग है, थर्ड यूनिट के अंदर डिजाइनिंग ऑफ FIR है.
राइट और फिर इसी थर्ड यूनिट के अंदर एक टॉपिक एड ऑन हुआ है दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट कि फाइनाइट वर्ड अगर हमारी लेंथ जो है वो फाइनाइट हो जाए तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है डिजिटल फिल्टर पे जहां पे आप क्वांटाइजेशन नॉइस ट्रंकेशन और राउंडिंग वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 3. अब अगर इसके बाद बात करूं डीएसपी के अंदर तो यूनिट नंबर 4 में आप एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हो. बेसिकली आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम में भी अपने पढ़ा है ये टॉपिक एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड डीएफटी यानी कि डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म. जी हाँ, सिग्नल सिस्टम जो आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया अभी उस सेमेस्टर के अंदर आप लोग ये डीएफटी टेक्निक आई थिंक हल्का सा एक इंट्रोडक्शन हुआ है क्योंकि मेरी वीडियो सीरीज भी अवेलेबल है सिग्नल सिस्टम के ऊपर, तो मैंने भी वहां पे डीएफटी का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया कि हाउ विल आई कैलकुलेट द डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म. राइट, बट यहाँ पे वो डीएफटी पूरा डिटेल में आ जाएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मुला, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डीएफटी. राइट, जैसे कि हम एक जेड ट्रांसफॉर्म या लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं ना, इन द सेम मैनर पूरा का पूरा डीएफटी आपको यहाँ पे पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है. देन अ मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे सर्कुलर कन्वोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग डीएफटी या लीनियर कन्वोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सब यहाँ पे आने वाला है. एंड देन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस यूनिट सेज एफएफटी. जी हाँ, दिस इज कॉल्ड फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो ये फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म इट इज अ मेथड टू कंप्यूट दिस डीएफटी और यहाँ पे जो मेथड है इसे फास्टेस्ट बोला जाता है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो यहाँ पे आप ये दो एल्गोरिथम यूज करने वाले हो इस एफएफटी को कैलकुलेट करने के लिए, वन इज कॉल्ड डीआईटी एंड वन इज कॉल्ड डीआईएफ. राइट, तो बहुत ही इजी मैं कहूंगा फिर से ये यूनिट भी इजी लगती है बट यस ऑफ कोर्स लेंथी लग सकती है बिकॉज यहाँ पे जो आपका चाहे मैं यूनिट 4 की बात करूं या यूनिट 3 की बात करूं या 2 की बात करूं तो यहाँ पे डिजाइन टेक्निक्स जो है वो आपको लेंथी लग सकती हैं बट यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द डिजाइन टेक्निक क्योंकि बहुत लिमिटेड टेक्निक्स हैं, आपको बहुत ज्यादा इनपुट नहीं देना पड़ेगा बट यस जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरी तरह से कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए और यही जो बेसिक 4 यूनिट्स हैं ये आपकी एक तरह से टोटली आप कह सकते हो न्यूमेरिकल बेस्ड, आप यहां से अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज यूनिट नंबर 5 जिसमें कि आप बेसिकली समझने वाले हो व्हाट इज मल्टी रेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. जी हाँ, डीएसपी के अंदर जो बेसिकली आपका सिग्नल प्रोसेस हो रहा है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट रेट पर प्रोसेस कर सकते हैं, दैट इज मल्टी रेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. तो यहाँ पे मेनली कॉन्सेप्ट आप देखोगे व्हाट इज डेसिमेशन इंटरपोलेशन और आपका सैम्पलिंग सैम्पलिंग रेट क्या होता है, ये सब चीजें आपने कहीं ना कहीं सिग्नल में पढ़ी है. व्हाट इज सैम्पलिंग, तो यहाँ पे सिंगल स्टेज है मल्टी स्टेज है या क्या एडवांटेज होती है हमारे मल्टी रेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर की, वो सब इस यूनिट में आप देखने वाले हो एज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंप्लीट सिलेबस इंट्रोडक्शन. अब अगर सिलेबस के बाद बात करूं तो नेक्स्ट होता है दैट इज बुक्स. तो दीज आर द बुक्स मेंशन इन योर सिलेबस. राइट, बट अगर मैं मेन बुक की बात करूं जो मैं भी रेफर करता हूं या जो मेन आपको सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगी, दैट इज योर सालिवाहन. राइट, इस बुक को आप चाहे तो अपने बुक बैंक अपनी लाइब्रेरी या इशू करा सकते हैं या परचेज कर सकते हैं बट और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन गो ऑन द गूगल एंड डाउनलोड इट बिकॉज इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है मैं भी इसी से सॉल्व करवाऊंगा बट इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एज इट इज आपको सॉल्व करनी है. After books, now the second part is course outcome. तो अगर course outcome की बात करूं तो जैसे जैसे मैंने आपको syllabus बताया, if you complete your first unit, then you will able to describe and design different types of relation of digital system, चाहे वो IAR है या FIR है, हम उसके relation सीख चुके होंगे. नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट कोर्स आउटकम बात करूं दैट इज डिपेंड्स ऑन योर यूनिट नंबर 2. सो यूनिट नंबर 2 आफ्टर कवरिंग योर यूनिट नंबर 2 यू विल एबल टू डिजाइन योर IAR डिजिटल फिल्टर. अब चाहे वो एनालॉग फॉर्म में है या डिजिटल फॉर्म में है, दे आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड लाइक बटरवर्थ चेबीशेव इंपल्स इनवेरिएंट एंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आप ये IAR फिल्टर डिजाइनिंग सीख चुके होंगे. एज नेक्स्ट आउटकम आफ्टर कवरिंग योर यूनिट नंबर 3 यू विल एबल टू डिजाइन योर FIR फिल्टर यूजिंग द विंडो मेथड. राइट, या विंडो फंक्शन रेक्टेंगुलर है ब्लैकमैन है, दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडो जिनका यूज करके आप लोग FIR फिल्टर डिजाइन करने वाले. नेक्स्ट, आफ्टर कवरिंग योर यूनिट नंबर 4 यू आर एबल टू डिफाइन बेसिकली व्हाट इज डीएफटी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, क्या वेरियस प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से सर्कुलर कन्वोल्यूशन या लीनियर कन्वोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, ये सब आप लोग समझ जाओगे. एंड ऑल्सो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द हाउ टू इम्प्लीमेंट द एफएफटी एल्गोरिथम, एफएफटी के थ्रू हम किस तरह से डीएफटी को कैलकुलेट करते हैं एंड ऑल्सो वाई इट इज कॉल्ड द एफएफटी, ये भी आप जानोगे व्हेन यू लर्न द एफएफटी की वाई इट इज कॉल्ड फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म. ये कैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये फास्ट है टू कंप्यूट द डीएफटी. राइट, ये सब हम देखेंगे आफ्टर कवरिंग योर यूनिट. एंड द लास्ट यूनिट जैसे ही आप लोग पढ़ोगे उसके बाद आप लोग समझ जाओगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमेशन एंड इंटरपोलेशन. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव दैट विल यू लर्न आफ्टर गोइंग थ्रू द सिलेबस ऑफ योर सब्जेक्ट. राइट,
अब अगर मैं बात करूं अपने प्लान की अपकमिंग लेक्चर्स की, तो बेसिकली इस सब्जेक्ट को मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूं यूनिट 1, देन यूनिट 2, देन यूनिट 3, देन यूनिट 4 एंड देन इन लास्ट यूनिट नंबर 5. सो बेसिकली 1 by 1 यूनिट को कवर करेंगे. बट अगर मैं यहां बात करूं, जैसे कि मैंने अभी सिलेबस में भी करा था कि 1, 2, 3 and 4, दीज 4 यूनिट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितनी प्रैक्टिस आप लोग करना चाहें यूनिट में कर सकते हैं. टेक्निक समझिए, मेरे लेक्चर्स में आपको टेक्निक मिलेगी, प्रॉब्लम सॉल्व मिलेंगी. एक या दो प्रॉब्लम मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ सॉल्व करूं, लेकिन उसके अलावा भी आप जो मैंने बुक आपको बताई है सालीवाहन रेफर कीजिए, उसमें जो प्रॉब्लम आपको मिले, या लास्ट ईयर पेपर सॉल्व कीजिए उसमें जो प्रॉब्लम आपको मिले उसे सॉल्व कीजिए. क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा यहां पर आप प्रैक्टिस करेंगे, यू विल सिक्योर मोर एंड मोर मार्क्स एज योर कॉन्फिडेंस विल बूस्ट अप, राइट. सो आई होप कि आप सभी लोग रेडी होंगे कि डीएसपी मेरे अगले लेक्चर से पढ़ना है, क्या क्या आने वाला है. बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक्स हैं, बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है. सो करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर में फ्रॉम यूनिट नंबर 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.